अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ टॉप पे भाई। ये रोड चेक करो बस, अभी ये रोड पूरा का पूरा टूटा हुआ है यहाँ से, तो इसलिए अभी भगवान के भरोसे ही चल रहे हैं इस रोड के ऊपर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शैली मोटर व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, होप गाइस आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज की जो वीडियो है, आज हम जा रहे हैं सच पास घूमने के लिए, जो डेंजरस रोड माना जाता है सबसे ज़्यादा। तो अभी बारिश का मौसम हो चुका है, बारिश आ रही है, गीले हो रहे हैं अभी हम, मतलब रेनकोट पहले से पहना कहिए, आप चेकआउट कर सकते हो। रात को हम अभी डलहौजी पहुंच गए थे ताकि हमारा जो हाफ सफ़र है कवर हो जाए, पठानकोट से डलहौजी, और डलहौजी रात को पहुंचे थे हम 11 बजे के करीब, इसलिए मैंने वो ब्लॉग बनाने दी होंगी, उस टाइम पे भी बारिश लगी हुई थी। तो अभी हम सुबह निकले हैं 6:30 बजे यहाँ से डलहौजी से, यह अभी निकल रहे हैं हम सीधा सच पास के लिए। अभी आपको रास्ते में जाते जाते जो उस वहाँ के रोड वगैरह हैं, 140 किलोमीटर का सफ़र है यहाँ से डलहौजी से, तो आपको सब दिखाऊंगा अगर बारिश रुकी होगी तो। गाइस अभी हम डैम के आगे वाले रोड पे आ चुके हैं, पूरा घूम घूम के रोड इतना ख़राब था ना पीछे कि क्या बताऊँ आपको, मतलब ऐसे ये देखो पूरे काले पहाड़ हैं, और मैंने इतनी बार गोप्रो लगाया और कभी मतलब तेज़ बारिश आ रही है, कभी एकदम से रुक जाती है, अभी रुकी हुई थी, अभी फिर से बारिश शुरू हो गई हुई है। साथ वाले ठीक ठाक बाइक भगा रहे हैं, वो तो कहाँ पहुँच गए वो। ये जो रोड है ना, जब आप डलहौजी से चंबा रोड पे जाके नीचे को हो जाओगे इस रोड पे, तो भाई ये रोड है, ये डेंजरस रोड ही है, क्योंकि ये रोड पूरा सच पास तक अब इतना सा ही रहेगा, छोटा सा, और छोटा हो सकता है, इससे बड़ा नहीं होगा रोड ये। और कहीं पे एकदम से मिट्टी पड़ी होगी रोड पे, प्रॉपर बाइक को हम बिल्कुल देख के चलाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सावधानी से बाइक को। ये देखो राइडर अपने कैसे बाइक को पूरा भगाया हुआ है इन्होंने, मुझे कितना पीछे छोड़ दिया था। ये टनल चेक करो गाइस कितनी मस्त है, और ये बहुत पुरानी टनल है, आज की टनल नहीं है, ये बहुत पुरानी टनल है। ये देखो ऐसे लग रहा है इसका अभी भी, इसको ना मतलब ये कच्ची टनल है पुरानी, ये वाली जो आप देख रहे हो अभी पीछे इन्होंने पैचिंग की हुई है, सब कुछ लगा के वो लगा रहे हैं, इसको पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं टनल को। ये देखो जैसे आगे देख रहे हो ना, ये वाली यहाँ से ये इन्होंने पक्की कर दी हुई है, अभी पीछे कच्ची थी पूरी, यहाँ से भी कच्ची है। देखो मेरे हिसाब से ऊपर से ना पत्थर वगैरह गिरते होंगे, इसलिए भी अभी ये पूरी टनल पक्की करने लगे हैं। ये देखो पुरानी टनल ऐसी की ऐसी बनी हुई थी, और इन्होंने ऐसे ही टनल को खोल दिया हुआ है। गाइस इस रोड का जो मज़ा है ना, वो कार पे नहीं है, बाइक पे ही है सही, जो सही मज़ा है इस रोड पे चलने का। और ये आप नज़ारा देख लो, ये चमेरा डैम है, इसे चमेरा लेक कहते हैं, यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी हो जाती है आराम से, अगर आपको बोटिंग करनी हो। आज तो मौसम ख़राब है इसलिए हो नहीं पाएगी। ये देखो व्यू देखो कितना मस्त है यहाँ का, यह देखो कितना मस्त व्यू है। ये क्या बोल रहा है, शायद आपको सुनाई नहीं दिया, कह रहा है कमेटी चक्की ते पहाड़ां च आए हैं। भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी आप हिल एरिया में बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, हिल एरिया वालों को तो बताने की ज़रूरत नहीं है जो पहाड़ों में पहले से ही रहते हैं, बट हर कोई जो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारी तरह बाहर से ही हैं, तो ये उनके लिए है कि जब भी आप बाइक या कार यहाँ पर चलाते हो, तो कोशिश ये करना है कि आप अपनी साइड पे ही अपनी गाड़ी को रखो। जैसे अभी मैं जा रहा हूँ अपनी साइड पे, जितना हो सकता है बाइक को उतना दबाने की कोशिश करता हूँ, मतलब मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ब्रेक लगा के धीरे कर लूँ बाइक को, मेरी बाइक जो है बाहर की साइड ना जा सके दूसरे रोड के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि अगर आप अचानक मोड़ पर कोई गाड़ी आ गई, तो ना आपकी ब्रेक लगेगी और ना ही आपका बाइक स्लो हो पाएगा, और उसके आगे आपको पता ही है कि क्या होगा। तो इसलिए इससे बचने के लिए, सेफ ड्राइव करने के लिए, भगाओ जितना मर्जी आपकी मर्जी है, पर उतना भगाओ कि आप मोड़ अपने जो आपका रोड है उसके अंदर ही मोड़ टर्न कर सको, रख सकते हो आप। ये देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इस रोड की स्पीड लिमिट क्या है, अगर मैं इस रोड पे 80-90 के ऊपर चलाऊँगा तो ऑब्वियस ही बात है बाइक कंट्रोल नहीं होगी। अभी जो मेरे साथ वाले हैं वो काफ़ी आगे चले गए हैं, उनको पकड़ते हैं जाके। ये देखो मैं यहाँ पर बस इससे ज़्यादा स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे मिट्टी आ जाएगी रोड के ऊपर, कहीं पे कुछ आ रहा है, एकदम से खड्डा आ जाएगा, तो उससे दिक्कत आएगी। इस चीज़ का प्लीज़ यार आप भी गाइस ध्यान रखना। ये गाड़ी है, ये भी हमारे साथ ही चल रहे हैं, ये बंदे गुजरात से आए हैं शायद, GJ नंबर गाड़ी का नंबर है। तो ये भाई पीछे से ही डर गए हुए थे, पूछ रहे थे कि भैया सारा रोड ऐसा ही है, हमारी गाड़ी जो है वो 2x4 है,
तो हमारी गाड़ी जा पाएगी। और अभी हम इतने एक्सपर्ट ड्राइवर भी नहीं हैं, तो हमने इनको वहाँ से बोला यार कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ ही हैं, चलो अपना नंबर वंबर इनको दे दिया, अगर कोई दिक्कत आएगी तो कॉल कर लेना, हम इकट्ठे ही जा रहे हैं, आपको भी दिखा के ही लाएंगे साथ पास, जहाँ तक हम जाएंगे वहाँ तक आपको भी ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि यार इतनी दूर से वो आए हैं तो घूम के नहीं गए तो फिर फ़ायदा क्या। तो प्लीज़ गाइस, ये जो मैंने आपको बात बताई है कि अपनी साइड पे चलना, बाइक को अपनी साइड पे ही भगाओ, जितनी मर्जी भगाओ आप भगा सकते हो, बट अपनी साइड पे। अभी आगे आके देखना, अभी हम हाइट पे चढ़ना शुरू हो चुके हैं, आगे आके देखना इतना, ये देखो ये हाल होता है फिर उसके बाद गाड़ी का, जैसा इसका हो गया हुआ है। आगे आगे जो पहाड़ झरने अभी आएंगे ना, मतलब बिल्कुल ही इतना डेंजरस रोड होगा कि क्या बताऊँ आपको। हमारे वाले बंदे भी कुछ कम नहीं है, ये देखो कैसे भगा रहे हैं बाइक को, जबकि उस बाइक में कोई ABS वगैरह भी नहीं है, फिर भी पूरा थ्रोटल खोला हुआ इन्होंने, ये चेक करो। गाइस कर दे इनको ओवरटेक, फिर ये और भगाने लग जाएंगे, इसलिए मैं इनको ओवरटेक नहीं कर रहा। बाइक चला रहा है जो हमारा सन्नी भाई है, जिनके पास हम चाय वगैरह पीने के लिए जाते हैं पठानकोट, वो हमारे साथ आया हुआ सचपास के लिए। तो अभी राइड जो बाइक है वही चला रहा है, वो कह रहा है कि मुझे मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का, इसलिए मैं ही चलाऊंगा। यार जब हम हिल एरिया में आते हैं ना, तो बाइक राइड करने का जो मज़ा है ना, वो जो बंदा पहाड़ी है उसको तो पता ही है, पर आप एक बार मेरे कहने पे यहाँ पे घूमने आओ, आपको मज़ा आएगा। इतना मज़ेदार रोड है कि क्या बताऊँ, पूरा लीन करने का हर चीज़ का आपको मतलब कि नया नया एक्सपीरियंस होगा कि लीन कैसे करना बाइक को, पूरा रोड पे कैसे चलना है, रोड कैसा कहाँ पे कैसा कैसा रोड होता है, पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको यहाँ पे आके। मतलब फुल ट्रैक मस्त है, ये देखो अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पे नीचे क्रेशर आने की वजह से मैंने अपने रोड को छोड़ दिया, तो प्लीज़ ये गड़बड़ जो हो जाती है इससे बचें, ये आप मत करना जो अभी हुआ मेरे से, क्योंकि रोड खाली था इसलिए बाहर की तरफ कर दिया बाइक मैंने, एकदम से ब्रेक नहीं लगाई। गाइस यहाँ पे रुक के हमने थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह ली, और जिस ढाबे में हम रुके हैं, ढाबा बड़ा छोटा सा है और इसके पीछे का जो व्यू है बहुत मस्त है। और ये हमारे पराठे वगैरह आ चुके हैं, यहाँ पे हमने एक एक पराठा खाया, ब्रेकफास्ट किया, चाय वगैरह पी, और सब कुछ ख़त्म होने के बाद फिर हम फिर से निकल पे अपनी एक स्मूथ सी राइड पे मज़ेदार। ये रास्ता का ऐसा है ना कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। बाइक अगर आपने पहाड़ी इलाके में नहीं चलाई ना, तो समझ लो कि आप बाइक का पूरा मज़ा ले ही नहीं पाए, क्योंकि जो रोड है ना, जो जो मज़ा रोड इस पे आता है वो और कहीं नहीं आएगा आपको। गाइस ये देखो अभी हम जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं ना, पहाड़ कितने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, ये चेकआउट करो ये वाला पहाड़ कितना सुंदर है। जो सही नेचर व्यू है ना गाइस, वो इसी साइड आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना कोई ट्रैफिक का चक्कर है, ना कोई ऐसा वैसा पोल्यूशन है, कुछ नहीं है। ये देखो कितना मज़ेदार पहाड़ है, ये कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो यहाँ पे रॉक स्लाइडिंग जो है वो होती रहती है, ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे कभी रुकना नहीं है कभी भी। तो गाइस यहाँ से हमने अपनी भाई की दुकान से, जो आज संडे था सारी दुकानें बंद थी, पर भाई की शॉप खुली थी, तो यहाँ से हमने जो अपनी चेन वगैरह है उसको अच्छी तरह लूप कर लिया, क्योंकि बिल्कुल सूखी हो चुकी थी ये, तो कि भाई ने हमसे एक पैसा भी नहीं लिया ऑयलिंग करने का इसको। ये है भाई हिमाचल, और ये है हिमाचल के दरिया दिल भाई, अपने जो राइडर की भाषा समझते हैं। मैंने उनको बोला कि भैया फिर भी यार कुछ तो ले लो, कहता नहीं यार जैसे आप हो वैसे ही हम भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहता जाओ आप मज़े से, ध्यान से जाना, बस ये बात उन्होंने बोली कि ध्यान से जाना। तो थैंक्स इस भाई के लिए, नहीं तो बाइक की जो चेन थी ना, हम स्प्रे लाना भूल गए थे तो बिल्कुल ही सूख गई थी, एकदम सूज, इतनी आवाज़ कर रही थी, क्या बताऊँ आपको मैं। ये झरना चेक करो, यहाँ पूरे 12 मंथ तक ऐसे ही पानी बहता रहता है, और एकदम ठंडा पानी, ठंडा पानी। तो गाइस अभी हम यहाँ से बस 20 किलोमीटर रह गया और आगे, तो वहाँ से फिर ग्लेशियर पूरा शुरू हो जाएगा। पीछे देखो आप, बर्फ़ आपको दिख रही होगी, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ बैक कैमरा ऑन करके। गाइस ये चेक करो व्यू कितना मस्त है यहाँ का, वो पीछे पूरा ग्लेशियर वगैरह यहाँ पे
ये जो 12 मंथ यहाँ पे ग्लेशियर ही रहता है, ये चेक करो एक बार। और ये यहाँ पे 3 महीने के लिए, यहाँ पे भैया बता रहे थे शॉप वगैरह ये खुली होती हैं सिर्फ 3 मंथ के लिए, उसके बाद यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाएगी फिर ये बंद हो जाएगा सारा काम। और इसके नीचे आपको 20 किलोमीटर हम अगर नीचे रुक जाएंगे तो वहाँ गाइस हमें होटल वगैरह सब कुछ मिल जाता है आराम से। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा जल्दी आओ, डलहौजी रुकने से अच्छा है आप यहाँ पे रुको, आके बैरगाड़ नीचे जब चेक पोस्ट आती है उससे पहले आप रुक जाओ तो आप सुबह अच्छा व्यू यहाँ पे देख पाओगे, ना आपको थकावट होगी तो ना जैसे अभी हम आए थे हम डलहौजी रुक गए थे पीछे क्योंकि हम लेट चले थे रात को, तो अभी सुबह अब यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें 12:40 या 1 बज चुका है इस टाइम पे, तो लेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। अभी ऊपर जा रहे हैं, बारिश हल्की हल्की लगी हुई है, कल धूप थी और आज हल्की हल्की बारिश लगी हुई, देखते हैं मौसम कैसा ऊपर, क्योंकि यहाँ के मौसम और ऊपर के वाले 20-10 किलोमीटर के आगे वाले मौसम में बहुत फ़र्क होता है यहाँ पे। तो जल्दी से चलते हैं गाइस आगे और आपको दिखाते हैं आगे के नज़ारे कैसे हैं। गाइस ये रोड चेक करो बस, अभी ये रोड पूरा का पूरा टूटा हुआ है यहाँ से, वो जहाँ पे बैठ के अभी हमने चाय पी थी बस वहाँ तक रोड सही था, आगे जो रोड है वो पूरा पूरा टूटा हुआ है ये देखो। और यहाँ के जो पत्थर है ना बहुत नोकीले हैं, बिल्कुल सावधानी से बाइक चलानी पड़ेगी यार। वैसे मैं तो यही सबको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना तो डबल सवारी बाइक पे कभी मत आना, सिंगल बंदा सिंगल बाइक पे आओ तो बाइक आपकी बिल्कुल सेफ चलेगी और सेफ रहेगी एकदम, बाइक के ऊपर लोड भी नहीं पड़ेगा ना टायर के ऊपर लोड पड़ेगा ज़्यादा। और अभी हमने एक सबसे बड़ी गलती क्या की है, एक तो हमने क्या कहते हैं अपने साथ एयर वाला पंप भी नहीं लिया और पंचर किट भी नहीं ली अपने साथ, जबकि मेरे पास घर में पड़ी हुई है पंचर किट, हमने ले जाना है उसके लिए मैंने लेके रखी हुई है, तो वो सो आप सोचो कि जल्दबाजी में वो भी लेना भूल गया मैं, तो इसलिए अभी भगवान के भरोसे ही चल रहे हैं इस रोड के ऊपर। गाइस ये सारा रोड अब ऐसा ही है टूटा हुआ पूरा, कार इस यहाँ पे चलानी मतलब कि नुकसान का घर है यार कार गाड़ियों के लिए ये रोड, यहाँ पे जिप्सी वगैरह लेके आओ उनके लिए ये रोड सही है, क्योंकि और जिप्सी में खास कर जो उसके टायर हैं वो उसके स्टॉक टायर होने चाहिए अगर आप सही में यहाँ पे राइड करना चाहते हो, अगर कार चलाना चाहते हो तो सॉरी जिप्सी चलाना चाहते हो तो आपके लिए फिर ही सेफ होगा। ये देखो कितना गंदा रोड है यार, बहुत ज़्यादा गंदा है, अभी ये कुछ नहीं है आगे जाके देखना, आगे जाके इससे भी ज़्यादा गंदा हो जाएगा रोड ये, अभी झरने भी देखने को मिलेंगे गाइस आपको। गाइस ये जो वीडियो है अभी बहुत लंबी हो जाएगी, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं कल डाल दूँगा रात को 8:30 बजे के करीब, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आप कल देख लेना कि आगे जो ग्लेशियर है वो कितना बड़ा है और कैसा है।